आई विल रियली अप्रीशिएट हनी पाजी का काम जब भी वो इंडस्ट्री में है जस्ट बिकॉज ऑफ़ हनी सिंग कि हमें इंडिविजुअली एक्सेप्ट किया जा रहा है बॉलीवुड में बाकी बात रही कि एक आ, हनी सिंह आर्टिस्ट है और काफ़ी चीज़ों को खोला उसने टेस्ट डेवलप करने वाला ये इंटरनेशनल म्यूज़िक का आई थिंक हनी ही था तो उसके बाद अगर एक जस्ट टू यू नो कम इन अ लाइम लाइट आप पोक करेंगे यार ये चोर है ये मेरे लिरिक्स से या कुछ है आज मैं किसी के बारे में बोल दूँ जो मुझसे काफ़ी सीनियर है उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा बट लाइम लाइट में आऊँगा मैं कि मैं भी आज बोल दूँगी इनफैक्ट एक गाना आया था आँखों आंखों में आज की रात लगता है हनी सिंह का गाना वो मैंने 2012 में ऑलरेडी गाया था स्टेज पे गाना अच्छा तो मेरे पास काफ़ी क्योंकि मीडिया आपको पता है कितनी स्पीड से चेक करते ऑलरेडी गाना गाया हुआ है तो केम टू मी कि इंदीप सर यहाँ का गाना है अगर मुझे लाइम में आना होता मैं बोलता था लिखा भी मैंने बनाया भी मैंने हनी सिंह ने चोरी किया बट जो सच नहीं है मेरे फैन पेज पे किसी ने मेरे को मेल किया मैंने गाना सुना मैं परफॉर्म किया नहीं समझा मेरी लाइब्रेरी में था तो ऐसा कुछ नहीं है बाकी आई थिंक कि इनफैक्ट uh, आप सैटरडे सैटरडे देखेंगे उसका नया वर्जन आया हुआ है आजकल सैटरडे सैटरडे जिसमें बादशाह ही रैप कर रहा है और नया सिंगर गा रहा है उसको तो सेम चीज़ जो आप हनी को ब्लेम कर रहे हैं आप खुद मेरी चीज़ को छेड़ रहे हैं गाने को आप उसे कुछ कर रहे हैं मैं चाहूँ तो लीगली एक्शन ले सकता हूँ बट मुझे नहीं लेना लाइमलाइट में ऐसे नेगेटिव तरीके से नहीं आना तो आई थिंक हनी पाजी की गलती कहीं भी नहीं है अल सेम पाजी और मैं ज़िंदगी में पाजी ही बोलूँगा बाकी हाँ ठीक है लाइमलाइट में आने के लिए मैं भी कुछ बोल देता हूँ बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कोई ना नैनो है ना कोई रोल्स वॉइज है ना किसी ने किसी का कुछ चोरी किया है अगर आपकी इतनी बड़ी आवाज़ थी आप निकाल देते गाने यार आप डब करो निकाल दो गाना यूट्यूब पर डाल दो अगर आपके लीगली कुछ है तो लीगली उसको दे दो आप क्यों उसको गालियाँ दे रहे हो क्यों उसके बैक पे करो कि मेरा करियर खराब कर दिया तो आई डोंट थिंक सो कुछ भी सीखा अगर उन्होंने तो आई थिंक हनी पाजी से ही सीखा होगा